गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसके एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने व्हाट्सअप स्टेटस का गाइज वीडियो देखा है, और गाइज कुछ इसी फैक्ट में गाइज आप भी कुछ इसी तरह का गाइज स्टेटस गाइज बनाना चाहते हो गाइज इस कलरफुल इमोजी के साथ में, तो गाइज इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो गाइज बीट भी प्ले होता है, प्लस गाइज बीट के बाद में कुछ इस तरह से इफेक्ट भी आ रही है। तो गाइज कुछ इसी तरह का स्टेटस गाइज अगर आप भी बनाना चाहते हो तो गाइज इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह का स्टेटस गाइस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, यानी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, और इस एप्लीकेशन का नाम है गाइस काइन मास्टर। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, आपको सिंपली इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे ही जाना है, और टेलीग्राम से गाइस डाउनलोड कर लेना इस काइन मास्टर को। अभी आप बहुत सारे भाई मुझे कॉमेंट करते हो, भाई आप इसी काइन मास्टर का लिंक दीजिए। तो आपको बता देता हूँ गाइस, ये प्रीमियम वर्जन है जो काइन मास्टर, ये मैंने परचेस किया है, खरीदा है प्ले स्टोर से, प्रीमियम वर्जन है। अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो गाइज ऐसा ही बिल्कुल आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बस उसमें ये इंटरफेस नहीं होगा, बाकी जो भी इसमें फंक्शन है, क्लिप ग्राफिक जो भी है, सब आपको उस काइन मास्टर में मिल जाएगा। तो जाकर गाइज डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चले गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं, देन गाइज क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करके, और 9/16 यानी कि 9.16 की जो रेशियो है गाइज, यहाँ पे 9.16 की जो रेशियो है गाइज 9.16 की, इसको सिलेक्ट कर लेना, देन गाइज नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी गाइज यहाँ पर क्या करता है, सबसे पहले गाइज गैलरी में आ जाता हूँ, गैलरी से गाइज यहाँ से इस इमोजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज अभी इस इमोजी में गाइज मैंने सारा इफेक्ट लगा दिया है, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइज ये जो काइन मास्टर, इसमें बहुत सारे इफेक्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ गाइज उसी जो भी गाइज आप इसमें जो भी इफेक्ट है, सब इफेक्ट आपको मिल जाएगा उस वाले काइन मास्टर में, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर दिया है। तो जाके गाइज आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस इमोजी को मैंने काइन मास्टर से एडिट किया हुआ है गाइज, तो जरूर बताएगा कमेंट में कि इमोजी आपको कैसा लगा। अभी गाइज यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से फिर से हम लेयर के ऑप्शन में आ जाएंगे, मीडिया के ऑप्शन में आ जाएंगे, देन गाइज यहाँ से हम आ जाएंगे गैलरी में, और गैलरी से गाइज यहाँ से पहले एक हम स्टेटस को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसी स्टेटस में गाइज हमने म्यूजिक भी लगा रखा है। तो गाइज यहाँ से इस स्टेटस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज सिलेक्ट करने के बाद हम गाइज क्या करते हैं, पहले आगे आ जाएंगे यहाँ तक, पहले देखेंगे कहाँ से ये फोटो स्टार्ट होगा गाइज यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से गाइज स्टार्ट होगा यहाँ से फोटो, तो यहाँ मार्क लगा देता हूँ, आप चाहे तो सुन भी सकते हो। यहाँ पर गाइज क्लिक करने के बाद में इसी टैम्पलेट पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो की जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है, तो इस सॉन्ग यानी इस वीडियो का जो सॉन्ग होगा गाइज यहाँ पर नीचे निकल के आ जाएगा। फिलहाल में गाइज यहाँ पे देखे देख लेते हैं कि इससे आगे फोटो चल रहा है या नहीं, नहीं इससे आगे गाइज फोटो ही चल रहा है और कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम डिलेट कर देंगे। अभी गाइज यहाँ पर देखे जहाँ तक हमने मार्क लगाया है वहाँ आ जाएंगे गाइज, मार्क लगाने के लिए आपको पता है गाइज इस पर जैसे क्लिक कर दोगे तो मार्क लग जाता है, अभी इसको क्लिक कर देना, देन गाइज यहाँ पर कैंची के निशान पर आके और ट्रिम टू राइट और प्ले हट करके इधर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपको ट्रिम कर देना है। अभी गाइज इस सेटिंग को आपको पूरे ध्यान से देखना है, तभी आप कुछ इस तरह का स्टेटस गाइज बना पाओगे। यहाँ पर सेटिंग में आ जाएंगे गाइज, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे एडिटिंग के ऑप्शन में आके फिल स्क्रीन क्लिक कर देना है, देन गाइज यहाँ से हम क्या करते हैं गाइज यहाँ पर देखिए आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 5 है 0.5, उसके बाद में एक पॉइंट और कम करना है, एक पॉइंट और कम कर देना है, ठीक है, और ऊपर अब डन कर देना है। अभी गाइज फिर से मीडिया के ऑप्शन में आ जाएंगे गाइज, और यहाँ से क्या करते हैं गाइस, पहले हम अपनी फोटोज को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो से हमें वीडियो बनाना है। तो पहले चार फोटो हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहां से फिर से हम क्या करेंगे गाइस, सेटिंग के ऑप्शन में आ जाएंगे, फिर से एडिटिंग में जाएंगे, अब आपको 0.5 कर देना है और ऊपर डन कर देना। अभी एक फोटो आपको फिर सिलेक्ट कर लेना, यानी टोटल पांच फोटो हो गया, चार हमने गाइस यहां पे देखिए सेटिंग पे आ जाता हूं, एडिटिंग पे, चार हमने गाइस यहां पे इस वाले पॉइंट पर रख के फोटो
फोटो सिलेक्ट किया। अब पांचवा फोटो आपको 0.5 जो है गाइज यहाँ पे इस पर सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज फिर से हम यहाँ से चार फोटो हम गाइज सिलेक्ट करते हैं, फिर से गैलरी में आ चुके हैं और फिर से चार फोटो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से सेटिंग में जाएंगे, एडिटिंग में जाएंगे, फिर से गाइज आपको 0.5 कर लेना है। तो गाइज यहाँ से फिर से एक फोटो हम 0.5 कर देते हैं। तो कुछ इसी तरह से गाइज आपको फिर से सेटिंग में आ जाना है। ऐसा करके गाइज आपको करीब 7 फोटो गाइज यहाँ पे 0.5 वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से गाइज फिर से हम क्या करते हैं, अपने गैलरी में गाइज जाते हैं और गैलरी से गाइज यहाँ से फिर से हम चार फोटो फिर से हम गाइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सेटिंग में जाके एडिटिंग में जाएंगे और यहाँ पे 0.5 कर लेंगे। फिर से एक फोटो सिलेक्ट करेंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, एडिटिंग में जाएंगे, अभी 0.5 से 2 पॉइंट कम कर लेना है। फिर से गाइज आपको यहाँ पे कुछ इसी तरह से कर लेना है और यहाँ से फिर से सेटिंग में चले जाना है, एडिटिंग में चले जाना है और 0.5 कर देना है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अभी मैं फिलहाल में यहाँ पे जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना, अभी देखिए गाइज यहाँ पे एक फोटो ये हो चुका है, दूसरा फोटो गाइज यहाँ पे ये हो चुका है, तीसरा फोटो गाइज यहाँ पे हो चुका है। अभी गाइज यहाँ पर हमें करीब 7 फोटो सिलेक्ट कर लेना है 0.5 बुलाती है। गाइज अभी चौथा फोटो है हमारा, तो यहाँ पे गाइज क्लिक करते हैं, देन गाइज मीडिया का ऑप्शन में फिर से जाता हूँ और गैलरी में जाएंगे और यहाँ से गाइज यहाँ से अब ये 4 फोटो हो गया। फिर से सेटिंग में आ जाना है, एडिटिंग में आ जाना है गाइज, और यहाँ से फिर से आपको 2 पॉइंट कम कर देना है और यहाँ से गाइज फिर से गैलरी में जाकर फिर से गाइज 4 फोटो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर से सेटिंग में जाना है, फिर से एडिटिंग में जाना है, 0.5 कर लेना है, फिर से गाइज गैलरी में जाकर एक फोटो और कर लेना है, ये 5 हो गया गाइज। तो कुछ इसी तरह से गाइज आपको 7 फोटो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से गाइज मैं फटाफट यहाँ से मैं सभी को कर लेता हूँ, फिर से सेटिंग। फाइनली गाइज मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, अभी एक और फोटो बच चुका है तो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी गाइज यहाँ पे देख लेते हैं, जो गाइज 0.5 वाला जो गाइज यहाँ पे जो साइज वाला फोटो है ये 0.5 वाला, ये 7 फोटो होना चाहिए। जैसे कि एक हो गया गाइज, उसके बाद में ये 2 हो गया गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा और आप जूम कर सकते हो दोनों फिंगर ऐसे करके, 3 हो गया गाइज, और इसके बाद में 4 हो गया, उसके बाद में गाइज यहाँ पे 5 हो गया देख सकते हो, और ये 6 हो गया गाइज, और एक यहाँ पे 7 हो गया। तो हर एक चार फोटो के बाद में आपको 0.5 को भी सिलेक्ट कर लेना है। अभी गाइज यहां पे आ जाना है सेटिंग के ऑप्शन में, एडिटिंग के ऑप्शन में, अभी आपको यहां पर क्या करना है, टिक यहीं पे लगा देना है। अभी गाइज जितना भी इधर जो भी है ना गाइज, आप यहां पे कुछ इसी तरह से इस साइज को गाइज यानी इस जो ड्यूरेशन है गाइज यहाँ पे उसको आप ऐसे करके सिलेक्ट करते चले जाइए गाइज। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ लास्ट तक अब ऐसे ही फोटो को हम सिलेक्ट करते चले जाएंगे। तो गाइज कुछ फोटो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से इन फोटो को गाइज अब डिलीट कर देता हूँ। अभी गाइज जो हमारा फोटो देख सकते हो गाइज अच्छे से फिक्स हो चुका है गाइज, यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर अब हमारा फोटो फिक्स हो चुका है। अभी गाइज आपको करना क्या, यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोनों फिंगर यहाँ पर रख लेंगे उंगली को और इसको हम ऐसे करके जूम कर देंगे गाइज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो फोटो है गाइज, ये जो एक चार के बाद में एक फोटो है, इसको क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जाएंगे। यहां पर क्लिप ग्राफिक में आने के बाद में योर कलर्स ये जो है इसको क्लिक करके यहां पर जो 13 नंबर का क्लिप ग्राफिक है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज यहां से देखिए कुछ इसी तरह से फिर से हम ये चार वाले फोटो में जाएंगे, चार के बाद में पांचवा जो गाइज यहाँ पे है इसको जाके फिर से योर कलर्स में जाके 0 यानी 13 नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज ये जो क्लिप ग्राफिक है आपको काइनमास्टर में नहीं मिलेगा, ये क्लिप ग्राफिक आपको बीट्स एंड एप्लीकेशन से ऐड करना होता है गाइज काइनमास्टर में। अगर आपको नहीं पता है कि बीट्स एंड एप्लीकेशन होता क्या है, बीट्स एंड एप्लीकेशन से कैसे इस क्लिप ग्राफिक को ऐड करते हैं, तो गाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर देखिए आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी उस वीडियो का लिंक है। जैसे इस आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो गाइज वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा और इस क्लिप ग्राफिक को बीट्स एंड एप्लीकेशन से एक क्लिक के अंदर में गाइज आप यहां से ऐड कर सकते हो। तो गाइज यहां से देखिए 13 नंबर का गाइज यहां पे जो क्लिप ग्राफिक इसको सिलेक्ट करते हैं, हर एक चार फोटो के बाद में ये जो पांचवा फोटो है गाइज इसको सिलेक्ट कर लेंगे, योर कलर्स पर जाएंगे और यहां से गाइज 13 नंबर सिलेक्ट कर लेंगे गाइज। तो यहां से आप ये फोटो रह के इसको भी सिलेक्ट करते क्लिप ग्राफिक में जाएंगे और यहां से गाइज आपको योर कलर्स में जाके 13 नंबर जो गाइज यहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली गाइज मैंने सभी फोटो में सिलेक्ट कर लिया है और यहां से गाइज कुछ और फोटोज यहां पे जो है इसमें आपको गाइज कौन सा क्लिप ग्राफिक ऐड करना मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो यहां से गाइज हमने लगा दिया 7 फोटो में, गाइज देखिए हमने इस वाले इफेक्ट को लगा दिया 7 फोटो में, अभी गाइज 4 के बाद में 5वां फोटो में, और जो भी अब फोटो बच चुका है अभी आपको क्या करना है, फोटो पे क्लिक कर देना है, यहां से क्लिप ग्राफिक
के ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद में गाइस क्लिप ग्राफिक ऑप्शन में आने के बाद में कॉल में डीजे में चले जाना, 0.2 सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर से यहाँ पे क्लिप ग्राफिक में आ जाना, फिर से कॉल में डीजे की जो क्लिप ग्राफिक है गाइस इसमें चले आना, 0.2 कर लेना है। तो गाइस यहाँ से जो चार फोटो जो है गाइस, और उसके बाद में लास्ट में जितने भी फोटो है गाइस, आपको कुछ इसी तरह से यहाँ से कॉल में डीजे का जो क्लिप ग्राफिक है गाइस, यही सभी फोटो में अप्लाई करना है, यानी लगाना है। बाकी गाइस हमने देखी यहाँ पर जितना भी फोटो है गाइस सभी में मैंने लगा दिया है, और ये फोटो में तो हमने पहले लगा दिया। फिर से यहाँ पे इस फोटो में आ जाएंगे, क्लिप ग्राफिक में आ जाएंगे, कॉल में डीजे की जो क्लिप ग्राफिक है गाइस इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे 0.2 कर लेंगे। अब गाइस जितने भी फोटो पे हमने क्लिप ग्राफिक नहीं लगाया है, सभी पे आपको कॉल में डीजे का यही गाइस 0.2 नंबर का जो क्लिप ग्राफिक है गाइस, इसी को गाइस सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज इसको भी डाउनलोड करने के लिए आपको बीट्स एंड एप्लीकेशन से ऐड करना होता है, तो गाइज आप ऐड कर लीजिएगा। अभी गाइज वीडियो को हम थोड़ा सा गाइज पॉज कर लेते हैं, ताकि गाइज यहाँ पर फटाफट मैं लास्ट तक गाइज यहाँ से कॉल मी डीजे का जो इफेक्ट है 0.2 इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और आप लोगों के टाइम गाइज ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। सो फाइनली गाइज मैंने सभी फ़ोटो में गाइज इस क्लिप ग्राफिक को लगा दिया है। तो गाइज जितना भी फोटो बच चुका था सभी मैंने गाइज कॉल मी डीजे का गाइज यहाँ पे 0.2 जो क्लिप ग्राफिक है इसको गाइज अब हमने ऐड कर दिया है। अभी गाइज दोनों फिंगर से, दोनों उंगली से फिर से आपको उसको जूम आउट कर लेना है। अभी गाइज यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, यहाँ पे म्यूजिक शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। गाइज यहाँ पे अभी म्यूट नहीं किया हूँ, देखिए जैसे वीडियो प्ले होगा तो कुछ इस तरह से गाइज यहाँ से इफेक्ट आएगा, देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से यहाँ से इफेक्ट आ रहा है गाइज, जो काफ़ी शानदार गाइज आपको यहाँ पे इस वीडियो में गाइज इफेक्ट मिलेगा। अभी गाइज आपको करना क्या है यहाँ पर देखिए, पहले गाइज यहाँ से इस म्यूजिक को मैं म्यूट कर देता हूँ, ताकि गाइज मेरी वॉइस आपको अच्छे से सुनाई दे। वीडियो के स्टार्टिंग में आके लेयर के ऑप्शन में आकर गाइज मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है, देन गाइज गैलरी में आना है, और गैलरी से गाइज यहाँ से फिर से एक टैम्पलेट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे गाइज। तो इस वाले टैम्पलेट को गाइज यहाँ से मैं सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन कर देता हूँ, देन गाइज इसकी म्यूजिक को गाइज यहाँ से मैं म्यूट कर देता हूँ, ताकि गाइज मेरी वॉइस आपको सुनाई दे। ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर देना गाइज। अभी यह कलरफुल टैंपलेट है गाइज, जो काफी शानदार आपको यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है। अभी गाइज आपको यहाँ पे आ जाना, जहाँ से फोटो स्टार्ट होगा यहाँ आ जाना है आपको। यहाँ आने के बाद में गाइज लेयर के ऑप्शन में आके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है, देन गाइज यहाँ से गैलरी में आते हैं। गैलरी से गाइज यहाँ से इस वाले टैंपलेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फुल स्क्रीन करके इसकी भी म्यूजिक को यहाँ से म्यूट कर देंगे गाइज। इसी टैंपलेट पर क्लिक करके एडजस्टमेंट के ऑप्शन में आके गाइज यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है गाइज इसको बढ़ा लेना है। देन गाइज इस टैंपलेट को भी क्लिक करके एडजस्टमेंट पे आके गाइज इसको भी कुछ इस तरह से गाइज 8-10 तक बढ़ा देना है। अभी गाइज देख लेना जो आपका टैंपलेट है जो यहाँ तक आ चुका है, अगर नहीं आएगा तो उसको कॉपी करके गाइज पेस्ट कर दीजिएगा। और फिर से लेयर के ऑप्शन में आके गाइज मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है, देन गाइज फिर से हम अपनी गैलरी में आते हैं, और गैलरी से गाइज यहाँ से फिर से एक बॉर्डर पीएनजी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं गाइज। सिलेक्ट करने के बाद में इसको पहले फुल स्क्रीन कर देंगे, देन गाइज यहाँ पे इसी बॉर्डर पीएनजी को क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को गाइज हम वहीं तक बढ़ा देंगे जहाँ तक हमारी स्टेटस की एंड होगी गाइज, यानी कि ख़त्म जहाँ तक होगा। यहाँ पर गाइज जो भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको आ जाना गाइज यहाँ पर पहले इस टैम्पलेट पर, यहाँ पर गाइज इस टैम्पलेट पर आ जाते हैं, देन गाइज यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर देंगे गाइज, ठीक है। गाइज उस ऊपर वाले टैम्पलेट को भी आपको ब्लेंडिंग में आके स्क्रीन कर लीजिएगा, तो हमने पहले ही कर दिया है गाइज। अभी लास्ट में आ जाना गाइज, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको ट्रिम कर देना है, कैंचे के निशान पे आ जाना, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ट्रिम करना है, कैंचे के निशान पे आना, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करके गाइस सभी एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर देना है। फाइनली गाइस हमारा स्टेटस यहाँ पर देख सकते हो गाइस बन के रेडी हो चुका है। तो कुछ इसी फैक्ट में गाइस आप कुछ इसी तरह का स्टेटस गाइस बना सकते हो। आई होप गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके इंस्टाग्राम को गाइज फॉलो कर लीजिएगा, और कोई भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैसेज कर लीजिएगा। और गाइज जितना भी मटेरियल मैंने इस वीडियो के एडिटिंग करने के लिए यूज किया है सबका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जाके गाइज डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी गाइज यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, और इस वीडियो को फुल HD में अपनी गैलरी में गाइज सेव कर लेना है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।